लेकिन कुछ दिनों बाद ही बगावत करने वालों के पांव उखड़ने लगे और दिल्ली से खदेड़े जा चुके अंग्रेजों ने वापसी की। अम्बाला से आए सैनिकों ने बाजी पलट दी और अंग्रेज एक बार फिर दिल्ली में दाखिल हो गए। अंग्रेजों ने यहाँ कत्लेआम किया और सिर्फ एक मोहल्ले कच्चा चला में 1400 लोग मार डाले गए। उस समय के ब्रिटिश सैनिक 19 वर्षीय एडवर्ड बिबार्ड ने अपने चाचा गॉर्डन के लिखे एक पत्र में लिखा, मैंने इससे पहले बहुत भयावह दृश्य देखे हैं, लेकिन मैंने जो कल देखा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे ऐसा दृश्य फिर कभी न दिखाए। औरतों को तो बख्श दिया गया, लेकिन उनके पतियों और बेटों को मारे जाने के बाद उनकी चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। ईश्वर जानता है कि उन लोगों के प्रति मेरे दिल में कोई रहम नहीं था, लेकिन जब मेरी आंखों के सामने बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा करके गोली मारी गई, मुझ पर उसका असर पड़े बगैर नहीं रह सका। मिर्जा गालिब भी नहीं रहे अछूते। महमूद फारूकी बताते हैं, 1857 के दौरान पूरी दिल्ली में अफरा तफरी थी, और क्यों ना हो, आप दुनिया की सबसे ताकतवर फौज से लड़ रहे थे। शहर में बहुत जबरदस्त दहशत का माहौल था, लेकिन 1857 में दिल्ली में दोबारा घुसने के बाद जिस तरह से अंग्रेजों ने शहरियों का दमन किया गया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। शहर के सभी लोगों को दिल्ली से बाहर कर दिया गया और पूरे 6 महीने तक वो खुले में बरसात और जाड़े में रहे। करीब करीब सबके घर लूट लिए गए। उस समय दिल्ली में रह रहे मिर्जा गालिब इस सबसे इतने आतंकित हुए कि उन्होंने 1857 के बाद से अपनी जिंदगी के बाकी के 12 सालों में कुल 11 गजलें लिखी हैं, यानी एक साल की एक गजल भी नहीं निकलती। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि शायर मिर्जा गालिब और उनके साथ के दूसरे शायर 1857 के गदर में खत्म हो गए।